कम्युनिकेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक यस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ सैटेलाइट कंपनी ओके नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ इज अ स्पीयर. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पीयर है ना. और जो आपका सैटेलाइट भी जो रिवॉल्व करता है तो वो इट रिवॉल्व इन अ सर्क्यूलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना. तो ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर रहेंगे या फिर एलिप्टिकल रहेंगे. ऑर्बिटल कांट बी स्क्वेयर और रेक्टेंगल राइट. तो दैट्स व्हाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट. एंड द मेजोरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट दैट इज जीईओ. यानी जो मेजोरिटी सैटेलाइट्स जो है वो कहाँ पे है, जियो ऑर्बिट में है. तो जियो ऑर्बिट का अल्टीट्यूड क्या रहता है, 35,786 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है या अल्टीट्यूड है वो है 35,786 किलोमीटर. ओके एंड व्हाट इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ इज 38,500 किलोमीटर राइट. नाउ रेडियो सिग्नल्स गेट वीकर इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो सिग्नल्स रीचिंग सैटेलाइट आर ऑलवेज वेरी वीक. अब देखो अब क्या है कि सपोज एक अर्थ स्टेशन है, ठीक है. अर्थ स्टेशन क्या कर रहा है कि सैटेलाइट को सिग्नल सेंड कर रहा है. ओके तो सैटेलाइट तक सिग्नल जाने तक वो पर स्क्वायर मीटर डिस्टेंस जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सिग्नल क्या हो जाएगा और थोड़ा वीक हो जाएगा सैटेलाइट तक पहुंचते पहुंचते. एंड सिमिलर थिंग विल हैपन व्हेन सिग्नल विल कम फ्रॉम सैटेलाइट टू द रिसीविंग अर्थ स्टेशन. देखो दो अर्थ स्टेशन होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन जो कि सैटेलाइट को सिग्नल सेंड करता है एंड देन सैटेलाइट से सिग्नल जो आता है वो आता है रिसीविंग अर्थ स्टेशन को, ठीक है. तो सैटेलाइट का जो सिग्नल है वो रिसीविंग स्टेशन तक आते आते अगेन क्योंकि क्यों वीक होता है, बिकॉज द डिस्टेंस दैट सिग्नल विल कवर और ट्रेवल इज वेरी वेरी लार्ज दैट इज 38,500 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंड दैट्स व्हाई दिस सिग्नल विल गेट attenuated because of so many reasons. So yesterday we have seen those reasons. Okay. So what happened in early days, very large receiving antennas with diameter up to 30 meter were needed to collect sufficient signal power to drive video signal or multiplex telephone channels. So starting ke jo days the jab सैटेलाइट इन्वेंट हुआ था तब जो एंटीनास यूज होते थे तो रिसीविंग एंटीनास जो यूज होते थे उसकी डायमीटर ही 30 मीटर रहता था. रिसीविंग एंटीना का डायमीटर 30 मीटर मींस यू कैन इमेजिन हाउ अ बिग एंटीना इट वाज. ओके तो इतने बड़े एंटीनास की जरूरत पड़ती थी. व्हाई इट इज सो, बिकॉज टू कैप्चर और कलेक्ट द सिग्नल पावर टू ड्राइव द वीडियो सिग्नल्स है ना. उसको क्या ड्राइव करना रहता है, वीडियो सिग्नल्स को और मल्टीप्लेक्स टेलीफोन चैनल्स को. ओके आपको ये समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को, आर यू गेटिंग दिस? यस मैम. ओके लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ और स्टेशन का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके नाउ सी हियर, सपोज दिस इज माय ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन. ओके एंड दिस इज माय रिसीविंग अर्थ स्टेशन एंड हियर इज अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट. अब वो ऑर्बिट कोई भी रह सकता है, इट कैन बी एलियो ऑर्बिट, एमईओ ऑर्बिट, एचईओ और जीईओ, लेकिन मोस्टली जो सैटेलाइट्स है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं.
व्हाई इट इज सो? बिकॉज जियोस्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट रहता है. ओके, हियर आई हैव ड्रॉन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो दिस इज वन सेक, दिस इज लाइट कमिंग. ओके, नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ इज अ स्पीयर. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों एग्जिस्टेंस में क्यों आई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन? क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पीयर है ना? और जो आपका सैटेलाइट भी जो रिवॉल्व करता है तो वो इट रिवॉल्व इन अ सर्क्युलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना? तो ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर रहेंगे या फिर एलिप्टिकल रहेंगे. ऑर्बिटल कांट बी स्क्वेयर और रेक्टेंगल, राइट? तो दैट्स व्हाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट. एंड द मेजोरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, दैट इज जीईओ. यानी जो मेजोरिटी सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे है? जियो ऑर्बिट में है. तो जियो ऑर्बिट का अल्टीट्यूड क्या रहता है? 35,786 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है या अल्टीट्यूड है वो है 35,786 किलोमीटर. ओके, एंड व्हाट इज द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ इज 38,500 किलोमीटर, राइट? नाउ रेडियो सिग्नल्स गेट वीकर इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो सिग्नल्स रीचिंग सैटेलाइट आर ऑलवेज वेरी वीक. अब देखो, अब क्या है कि सपोज एक अर्थ स्टेशन है, ठीक है? अर्थ स्टेशन क्या कर रहा है कि सैटेलाइट को सिग्नल सेंड कर रहा है. तो सैटेलाइट तक सिग्नल जाने तक वो पर स्क्वायर मीटर डिस्टेंस, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सिग्नल क्या हो जाएगा? और थोड़ा वीक हो जाएगा सैटेलाइट तक पहुंचते पहुंचते. एंड सिमिलर थिंग विल हैपन वेन सिग्नल विल कम फ्रॉम सैटेलाइट टू द रिसीविंग अर्थ स्टेशन. देखो, दो अर्थ स्टेशन होते हैं. एक होता है आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन जो कि सैटेलाइट को सिग्नल सेंड करता है, एंड देन सैटेलाइट से सिग्नल जो आता है वो आता है रिसीविंग अर्थ स्टेशन को, ठीक है? तो सैटेलाइट का जो सिग्नल है वो रिसीविंग स्टेशन तक आते आते अगेन क्यों वीक होता है? बिकॉज द डिस्टेंस दैट सिग्नल विल कवर और ट्रेवल इज वेरी वेरी लार्ज, दैट इज 38,500 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, एंड दैट्स व्हाई दिस सिग्नल विल गेट एटेन्यूएटेड बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. तो यस्टरडे वी हैव सीन दोज रीजंस. ओके, तो व्हाट हैपेंड इन अर्ली डेज? वेरी लार्ज रिसीविंग एंटीनास विथ डायमीटर अप टू 30 मीटर वेयर नीडेड टू कलेक्ट सफिशियंट सिग्नल पावर टू ड्राइव वीडियो सिग्नल और मल्टीप्लेक्स टेलीफोन चैनल्स. तो स्टार्टिंग के जो डेज थे जब सैटेलाइट इन्वेंट हुआ था तब जो एंटीनाज. नाउ एज सैटेलाइट्स हैव बिकम लार्जर, हेवियर एंड मोर पावरफुल, स्मॉलर अर्थ स्टेशन एंटीनाज हैव बिकम फिजिबल एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टीवी, दैट इज डीबीएस टीवी रिसीविंग सिस्टम कैन यूज डिश एंटीनाज एज स्मॉल एज 0.5 मीटर इन डायमीटर. अब जिनके घर में डिश एंटीनाज लगे हुए होंगे तो आप यू कैन ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ दैट डिश एंटीना, इट इज 0.5 मीटर. तो पहले क्या होता था कि जो एंटीना रहता था उसका डायमीटर बहुत ज्यादा रहता था. बट नाउ डेज व्हाट हैपेंड? द डायमीटर ऑफ द डिश एंटीनाज रिसीविंग एंटीनाज आर एज स्मॉल एज 0.5 मीटर इन डायमीटर. तो ये कौन से एंटीना की बात हो रही है यहाँ पे? फॉर द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टीवी, दैट इज डीबीएस टीवी रिसीविंग सिस्टम, राइट? नाउ सैटेलाइट सिस्टम्स ऑपरेट इन द माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स. यस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि ऑन विच फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट विल ऑपरेट. तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे सैटेलाइट ऑपरेट करता है? माइक्रोवेव एंड मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स.
यूजिंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 and 50 गीगाहर्ट्स, ठीक है। तो 1 to 50 गीगाहर्ट्स के बीच में जो बैंड है दैट बैंड विल बी यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ योर सैटेलाइट। तो ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट मीन्स फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ अबाउट 10 गीगाहर्ट्स रेन कॉजेस सिग्निफिकेंट अटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल। यस, यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट बिकॉज ऑफ द रेन व्हाट हैपेंड, द सिग्नल विल गेट अटेन्यूएट, राइट। तो अबव 10 गीगाहर्ट्स अगर मेरी अपलिंक या डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अबव 10 गीगाहर्ट्स है तो क्या होगा, क्या अफेक्ट होगा? तो अबव 10 गीगाहर्ट्स होने की वजह से रेनिंग अगर है, बारिश आ रही है बहुत जोरों से, तो बिकॉज ऑफ दैट रेन व्हाट हैपेंड, द सिग्नल विल गेट अटेन्यूएटेड। सिग्नल क्या होंगे, अटेन्यूएट होंगे, ओके। एंड व्हाट हैपेंड फॉर अबव 20 गीगाहर्ट्स फ्रीक्वेंसी, अटेन्यूएशन इन हेवी रेन एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म्स कैन कॉज सफिशियंट अटेन्यूएशन दैट द लिंक विल फेल, ओके। नाउ अबव 20 गीगाहर्ट्स क्या होगा, हेवी रेनिंग की वजह से अटेन्यूएशन इतना ज्यादा होगा कि जो लिंक है विल गेट फेल। लिंक फेल होगा मीन्स विल नॉट गेट एनी सिग्नल, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत जोर से बारिश हो रही है ना, रेनी सीजन में बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो आपके टीवी पे ऐसे फ्लक्चुएशन आते हैं और लिख के आता है कि नो सिग्नल, ठीक है। मीन्स इट मीन्स दैट द लिंक गेट फेल बिकॉज ऑफ द हेवी रेन और बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स। यस, आर यू गेटिंग मी गर्ल्स? यस मैम, यस मैम। ओके, वन सेक। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज नाउ फॉर द फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी सैटेलाइट जब इन्वेंट हुआ था उसके बाद से 20 इयर्स तक एनालॉग सिग्नल्स वेर वाइडली यूज। कौन से सिग्नल्स यूज होते थे? एनालॉग सिग्नल्स विथ मोस्ट लिंक्स एम्प्लॉइंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब आपको ये पता है कि व्हेन एनालॉग कम्युनिकेशन और एनालॉग सिग्नल्स वी आर यूजिंग देन वन ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक वी नीड टू यूज, ओके। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स यूज होते थे और यहाँ पे मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज होती थी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट, अप टू द 20 इयर्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Now, wide band FM can operate at low carrier to noise ratio. जो wide band FM है वो कौन सी इस पे operate करता था? Low carrier to noise ratio in what is the range? 5 to 15 dB range, right? And analog signal transmission replaced by, yes, after 20 years of satellite communication, invention of the satellite communication, what happened? Analog signal transmission will get replaced by the digital transmission, okay? Because of the tremendous advantages of your digital communication. Now almost all other signals are digital. अब हमें ये तो पता है कि अब सब जगह पे डिजिटल ही सिग्नल्स यूज होते हैं। तो कौन कौन सी जगह पे यूज होते हैं? टेलीफोनी है, डेटा है, DBS TV है, देन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है एंड नेविगेशन विद GPS. All use digital signal techniques. So what happened? Digital transmission means digital transmission take over to analog signals. है ना? Analog signal को किसने take over किया? Digital signal ने. Okay? Why it is so? Because of the need of your digital transmission. Right? क्या need है? क्योंकि कैसे need है? Because देखो अभी जो smart TVs है आपके यहाँ पे, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि स्मार्ट टीवीज के लिए हमें डिजिटल सिग्नल चाहिए, दैट्स व्हाई सेटअप बॉक्स कम्स इनटू पिक्चर, ओके। तो व्हाट हैपन, वी नीड टू कन्वर्ट दैट। तो उससे अच्छा क्या है कि डिजिटल सिग्नल ही यूज करो। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट LEO एंड MEO, LEO एंड MEO मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर डिजिटल। यस, LEO इज योर लो अर्थ ऑर्बिट एंड MEO इज, what is MEO? Medium Earth Orbit communication system are digital. तो ये जो communication systems है ये totally digital systems है, taking advantages of your voice compression techniques that allow a digital voice signal to be compressed into a bit stream at 4.8 kbps. Okay, now here you can see
there is a facility of your voice compression in digital communication technique. So LEO and MEO are mostly prefer your digital communication system. Now LEO and MEO satellites are used for mobile communication and navigation system. अब मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए और नेविगेशन सिस्टम्स के लिए कौन से सैटेलाइट्स यूज होते हैं? एलियो एंड एमयू, जो लो अर्थ ऑर्बिट में है वो सैटेलाइट्स, एंड एमयू सैटेलाइट्स विल यूज. व्हाई द नेम इज एलियो? व्हाई इट इज सो? यस, व्हाट डू यू मीन बाय लो अर्थ ऑर्बिट? व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलियो? Yes, anybody? Because it is in the atmosphere layer. देखो अब ऑर्बिट्स जो है वो क्लासिफाइड है. जैसे कि एक लो अर्थ ऑर्बिट है, देन उसके ऊपर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके ऊपर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिट जो है ये, इसको लो क्यों बोला है? बिकॉज इट इज नियर टू योर सैट, नियर टू योर अर्थ. अर्थ से बहुत पास में है लो अर्थ ऑर्बिट, और उससे थोड़ा दूर है एमयू मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके ऊपर है योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, और एमयू विल कम्स इन बिटवीन ऑफ एलियो एंड जियो. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड. तो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं तो वो कौन से ऑर्बिट में रहते हैं? यू शुड नो दिस. वो कौन से ऑर्बिट में रहते हैं? इट कैन बी इन एलियो और एमयू. व्हाई इट इज सो? कम डिस्टेंस के ऑर्बिट में क्यों रहेंगे वो? यस एनीबडी? वहां पर वहीं पे लॉन्च क्यों करते हैं हमेशा कम्युनिकेशन सैटेलाइट? उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं. और नेविगेशन सिस्टम याने क्या? नेविगेशन सिस्टम मीन्स जीपीएस, है ना. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड जीपीएस सैटेलाइट्स आर मोस्टली इन एलियो एंड एमयू. Right? Okay, now this overview of satellite communication is over. What we have studied today, what we have seen today, what are the points? Yes, anybody? Altitude. Oh yes. किसका altitude देखा? कौन से satellite का? Geostationary satellite. Yes. और satellite communication system existence में क्यों है? What is the reason? Because Earth is. What is the shape of Earth? Sphere. Yes. What is the altitude of geostationary satellite? Ma'am, 35,786. Yes. And what is the path length? 38,500 kilometers. Yes. And what is the uplink? What do you mean by uplink frequency? ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था अभी इसके पहले. सिग्नल टू स्पेस, सेंड टू स्पेस, कॉल्ड अपलिंक. यस, व्हेन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट. ओके, तो दो वो जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो, उसको हम बोलेंगे अपलिंक फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी?
What is downlink frequency? Satellite to Earth. Yes, the frequency at which signals transmitted from satellite to receiving Earth station is called as downlink frequency. Hai na? Okay. Now, what is the diameter of your DBS TV, your receiving antenna, or your dish antenna? What was the diameter of antenna earlier? Meter. Yes, and nowadays what is the diameter? Ma'am, 0.5. Yes. Okay. Okay, now shall I start this orbital mechanics topic today? Because this is the base of your satellite communication. Isme Kepler's ke three laws aa rahe hain. Okay, how many of you are present today? How many students are present in class? Only 5 are present. My God, how many students have taken this satellite communication subject? Ma'am, 14. 14. So 14 में से 5 ही student present है, means 9 are absent. Why? Ma'am, Samiksha was present due to some network issues. She got disconnected. ओके समीक्षा वॉज देयर. हाँ ये वो घर पे है ना, उसके वहां पे रहता है इशू. बट इवन दो देर आर ओनली 6 ना, यही तो होता है फिर. अभी ये पूरा आपका जो इनिशियल जो है वो केपलर्स लॉ अगर आपका मिस हो गया तो आपका आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा. दिस इज द बेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो इस पे तो पूरा एक डेरिवेशन है आगे. केपलर्स लॉ पे एक डेरिवेशन है.